Hello friends and welcome back to Edurify YouTube channel. I hope you all are doing well. So if you want to pursue BE BTech from a top-notch engineering institute in India, then achieving a gold score in GE is very important. So the dates for phase 1 exams will be announced anytime soon. So imperatively to follow the GE main preparation tips and to balance out the studies for 12th board and competitive exams is very important for you all now. As JEE exam can be cracked easily by making a time management, doing revisions of important topics and chapters, attempting all the sample papers and mock tests. But from where? This question comes to our mind. But हम कहाँ से ये सब पढ़ाई करें? So इन सब questions का solution मैं आपके पास लेकर के आई हूँ हमारी edurify.com app. जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी screens पे already opened हो रखी है. It's a personalized learning app. Every student is different, so their learning attributes create their own learning path based on their learning need and pace. So Edurify is going to provide you that pace so that आप इसमें easily अपना revision कर सकें. आप जितने भी आपके subjects हैं, जो भी topics हैं जिसमें आप weak हो, उनको जल्दी जल्दी cover कर सकें और daily mock test दे सकें. जितना ज़्यादा आप practice करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपकी preparation strong होगी, because practice makes a man perfect. So you don't have to go anywhere to search for the previous year paper or what questions are important. All you are going to get in this one particular app, Edurify app. So friends, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट फर्दर के हमारे जितने भी वीडियोज बन रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप ईजिली हमारी वेबसाइट पे आकर के अपना टेस्ट दे सकें. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. यहाँ पे लर्न सेक्शन है, प्रैक्टिस सेक्शन है एंड ऑनलाइन टेस्ट है. आप लर्न में जाइए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा रिविजन करिए, फिर आप उसका ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपना इम्प्रूवमेंट स्कोर चेक करिए. अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, आप फिर से दूसरा टेस्ट दीजिए. आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको एक दिन में इतने मॉक टेस्ट देने हैं. जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा. सो चलिए आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसमें अपना रिवीजन कर सकते हैं. मैंने अपना एग्जाम यहाँ पे सेलेक्ट किया जेईई. मैंने अपना सब्जेक्ट चूज किया कि मुझे मैथ्स पढ़नी है. एंड देन अगर जो सब्जेक्ट्स का जो चैप्टर है अगर वो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए. अदरवाइज आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं उस सब चैप्टर को और वो चैप्टर आपको मिल जाएगा. सो टुडे वी विल गो टू सेट थ्योरी एंड रिलेशंस. सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सेट थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, वो यहाँ पे हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स, वेन्यूलर डायग्राम्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड मच मोर. तो चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है. अ सेट इज एनी वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन वी मीन दैट देयर एग्जिस्ट अ रूल विद द हेल्प ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू टेल वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग टू द गिवन कलेक्शन. The objects in the sets may be anything, numbers, people, mountains, rivers, etc. The objects constituting the set are called elements or members of the elements. So you can see there are following two types of sets, roster method, set builder method. You can check your time, how much time you have devoted to this set chapter and how much topics you have covered. Currently you are on first topic and this chapter has 20 topics inside it. So moving on to next. While clicking on the next button, we move to next. So here are some symbols and their meanings. Moving to next, types of set. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी सेट्स की पढ़ाई कर सकते हैं. और अगर पढ़ाई करते समय आपको लग रहा है कि आपको कुछ नोट्स बनाने हैं तो सिंपली क्लिक ऑन दिस, आपका नोट टैब उठ जाएगा. आप उसमें अपने नोट्स बनाइए और उसको सेव कर लीजिए. और अगर आपको चाहिए कि आपको पढ़ना ना पड़े, कोई आपके लिए पढ़ दे, तो सिंपली